ऑफ माय ट्यूब चैनल अजीत बाइकर ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड, आज मेरे पास अमेजोन से एक बॉक्स आया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास बॉक्स एक रखा हुआ काफ़ी बड़ा है, और ये अभी जो है अनबॉक्सिंग मैंने नहीं की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग अपने बाइक में ये इंस्टॉल करते थे, बट मुझे पता नहीं था ये कहाँ से परचेज करते हैं। सो मैंने काफ़ी रिसर्च किया और मुझे लास्ट फाइनली मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया है। फ्रेंड, ये जो प्रोडक्ट मेरे पास आया है, ये जो बॉक्स आया है मेरे पास, ये केरला से आया है, और ये जो अभी प्रोडक्ट है ये अभी अमेजोन पे अवेलेबल है राइट नाउ। सो फ्रेंड, इसको अभी अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, इसको बाइक के पास लेके चलते हैं और बाइक के पास इसको अनबॉक्सिंग भी करेंगे और बाइक में इसे इंस्टॉल भी करेंगे, और ये क्या चीज़ है मैं आपको वहीं पर दिखाऊँगा। सो फ्रेंड, चलिए और बाइक के पास चलते हैं और वहीं पर आपको दिखाते हैं ये क्या चीज़ है और कैसा प्रोडक्ट है, आपके लिए ये बेनिफिट है या और नहीं है, और कैसा लुक देती है बाइक में। सो मुझे पता है इस बॉक्स में क्या, बट आपको नहीं पता है तो आपको ये सस्पेंस बाइक के पास खोल देंगे कि इसमें क्या है। सो फ्रेंड, चलिए बाइक के पास और आपको सारी। फाइनली फ्रेंड, मैं अपने बाइक के पास आ चुका हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं ये बॉक्स मेरे पास है और इसको अभी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है। ये रहा ये बॉक्स, और बॉक्स के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। सो गाइज, ये वो चीज़ है, ये पल्सर 150 और 180 में इंस्टॉल होने वाली वाइज़र है। सो मैं काफ़ी दिनों से इस चीज़ का वेट कर रहा था, सो फाइनली मेरे पास आ चुका है। और ये जो प्रोडक्ट आई है ये केरला से आई है और अभी जो है ये आपको अमेजोन पे अवेलेबल है। सो आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप जाके अमेजोन पे परचेज कर सकते हैं। सो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं बाइक में और उसके बाद आपको इसका बाइक का व्यू दिखाते हैं ये कैसी लुक आती है। सो बॉक्स को नीचे रखते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह ये लगेगी वाइज़र, इसमें जो है इस तरह से कुछ लुक आएगी इसमें लगने के बाद, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है इस जगह से। अभी पहले मैं बाहर से देख रहा हूँ, इसमें अभी पुराने वाले जो वाइज़र हैं, ये पुराने वाले जो वाइज़र हैं इसको ओपन करेंगे और इसको न्यू वाले इसमें इंस्टॉल करते हैं। चलिए इसको रिमूव करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं, कैसी लुक आती है मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अच्छी क्वालिटी है फ्रेंड। सो आप देख सकते हैं इस तरह की लुक आएगी, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है इस जगह से। सो काफ़ी स्पोर्टी लुक आ रही है फ्रेंड, काफ़ी लुक में चेंजेज आ चुकी है। इसे खरीदना एक वर्थ है। चलिए तो इसको पहले वाले जो है इसको रिमूव करते हैं वाइज़र, और ये न्यू वाले इसमें इंस्टॉल करते हैं। आप देख सकते हैं वाइज़र लगने के बाद इसका व्यू बिल्कुल चेंज हो गया है और बिल्कुल स्पोर्टी लुक आ रहा। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो राइडिंग पोस्चर है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से व्यू बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही ऑसम फील हो रहा है इस जगह से। और आपको फ्रंट का व्यू दिखाता हूँ और यहाँ से देख सकते हैं वाइज़र कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल बाइक का लुक ही चेंज हो गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक जैसा फील हो रहा है इस जगह से। और इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही बेस्ट है, ये हार्ड मटेरियल से बना हुआ है, ये ऐसा फील ही नहीं हो रहा है जैसे लग रहा है 150-180 का बाइक है, लग रहा है कोई स्पोर्ट्स बाइक है। सो काफ़ी लुक में इन्हेंस हो गई है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इस वाइज़र के साथ मैं एक मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ, एक स्टिकर लगाने वाला हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बजाज पल्सर का मेरे हैंड में लोगो है। सो यहाँ पर इस जगह पर मैं लगाऊँगा। सो चलिए इसको पहले इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद इसका लुक दिखाते हैं आपको।
सो आप देख सकते हैं ये स्टिकर लगने के बाद ऐसा फील हो रहा है जैसे ओरिजिनल। सो गाइस जैसा कि ये वाइजर देख रहे हैं, ये वाइजर जो है मैंने केरला से मंगवाया है और इसको आने में 6 दिन लग गए हैं, और जब मैंने ऑर्डर किया था उसके बाद ये अमेजोन पे भी अवेलेबल हो गया था। मेरे ऑर्डर करने के बाद मैंने सर्च किया अमेजोन पे, तो अमेजोन पे उसके बाद अवेलेबल हो गया था। कोई बात नहीं, आप अगर बाई करना चाहते हैं इस वाइजर को तो अमेजोन से डायरेक्ट आप बाई कर सकते हैं, और ये वर्थ है फ्रेंड। अगर 685 में ये वाइजर आ रही है, इस तरह का लुक आ रही है, स्पोर्टी लुक आ रही है, तो अगर मॉडिफिकेशन का भी आपको शौक है तो ये वर्थ है मेरे लिए। मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत ही काफ़ी लुक्स में काफ़ी इन्हेंस हो गई है, काफ़ी चेंज हो गई लुक्स में। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। अगर आपको भी पसंद आता तो आप भी जाके अपने बाइक में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये जो है उन भाइयों के लिए है जो पल्सर लवर है और जिनके पास 150 और 180 पल्सर है, इस तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मुझे काफ़ी दिनों से वेट था इस वाइजर के लिए, इसलिए मैं ये सस्पेंस रखा था और आपको इस जगह पे मैंने ये सस्पेंस ओपन किया। ये काफ़ी अच्छी लग रही है आपको, मैं लुक्स ओवरऑल लुक्स चारों ओर का इसका मैं व्यू दिखाता हूँ और ऑन द रोड भी आपको दिखाऊंगा। रोड पे चलते हैं और वाइजर का टेस्टिंग करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, अभी मैं रोड्स पे आ चुका हूं और अभी जो स्पीड है 40 का स्पीड है जैसा कि आप देख रहे हैं, और 40 का स्पीड में ये वाइज़र बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। टॉप स्पीड में चेक करते हैं ये वाइज़र कैसा परफॉर्म करती है। अभी जो स्पीड है 93 है, 94, 96 और वाइजर बिल्कुल स्टेबल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बेस्ट, दिस वाइजर इज बेस्ट। आई होप आपको ये वाइजर पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छी है और विंड जो काट रही है हवा को बहुत अच्छी तरीके से, मीन्स चेस्ट पे इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, ये ऊपर से निकल जा रही है। ये जो विंड देख रहे हैं, जो वाइजर का जो डिज़ाइन बनाया गया है, यहाँ से विंड जो है ये इसके ऊपर से ये निकल जा रही है, हेलमेट के ऊपर से चेस्ट में बिल्कुल भी नहीं लग रही है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है और वर्थ है, आप इसको बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइज ये वाइजर आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट में बताइए, और अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए और राइडिंग सेफ कीजिए फ्रेंड। टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय।